आगामी 28 अक्टूबर को मुरादाबाद के कांट रोड शुक्ला की पुलिया पर राष्ट्रीय लोकदल के बैनर तले संवाद कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है, जिसकी तैयारियां जोरों शोरों पर की जा रही हैं। तो वहीं कांट विधानसभा से राष्ट्रीय लोकदल के संभावित प्रत्याशी मतलूब अहमद लगातार गांव-गांव चौपाल के माध्यम से राष्ट्रीय लोकदल की नीतियों को जन जन तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। मंगलवार को भी उनके द्वारा लगभग दर्जनों ग्राम पंचायतों का तूफानी दौरा किया गया और किसानों के मुद्दे पर जनता को राष्ट्रीय लोकदल की नीति पर बताया गया। राष्ट्रीय लोकदल के नेता मतलूब अहमद कहते हैं कि राष्ट्रीय लोकदल किसानों की लड़ाई लड़ रहा है, मजदूरों की लड़ाई लड़ रहा है, बेरोजगारों की लड़ाई लड़ रहा है। हम गांव गांव जा रहे हैं और अपने नेता जयंत चौधरी की नीतियों को बता रहे हैं। आज भी कुरी रमाना गाँव पहुंचे हैं और अपनी जनता से अपने नेता की संवाद रैली के लिए निवेदन किया जा रहा है। सिटी चैनल से बात करते हुए राष्ट्रीय लोकदल के मतलूब अहमद द्वारा कहा गया, मैं अपने विधानसभा कांट जो हमारे जनपद मुरादाबाद में आती है विधानसभा 25, इसके समथिंग 200 गांव में हम लोग प्रचार मैंने खुद जाकर करा है, गांव-गांव संपर्क किया है, लोगों से अपील की है कि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी 28 अक्टूबर को शुक्ला की पुलिया के पास में स्थान है, हमने आप देख भी चुके हुए, ना देखा हो आप देखेंगे, तो कार्यक्रम स्थल पर तैयारी पूर्ण रूप से चल रही है और हम लोग जनसंपर्क में क्षेत्र में पूरी ताकत से लगे हैं। और मेरा अपना हमेशा एक मकसद रहा है, क्षेत्र की जनता को जहां जिस टाइम जिसे ज़रूरत पड़ी है उस टाइम हमेशा हाजिर रहा हूं। और आज मैं अपनी जनता से अपील करता हूं कि 28 तारीख के लिए आप अपना काम छोड़कर अपने भाई के लिए मौके पर पहुंचकर माननीय जयंत जी को सुने और उनका आशीर्वाद देने का कार्य करें। मैं आज आपको बताऊं, देखो काला कानून जो हमारे ऊपर थोपा गया है माननीय प्रधानमंत्री द्वारा, जिसमें कोई किसान के लिए मशवरा या किसान के लिए कोई राय नहीं, दो आदमियों के मामले में दो आदमी के बड़ा अडानी अंबानी के बाद पूरे देश की जनता त्रस्त है और लोग परेशान हैं। गाजीपुर बॉर्डर, तमाम सिंधु बॉर्डर, तमाम तरीके से किसान अपने जान धुन चुके, 700 से अधिक किसान मर चुके। खीरी लखीमपुर में अभी आजिया मिश्रा के बेटे मोनू मिश्रा ने किसानों को मार दिया, एक पत्रकार थे कश्यप वो ने मार दिया। ऐसे हालात में अजय मिश्रा का इस्तीफा तक सरकार ने नहीं लिया, किसानों में रोष व्याप्त है। चुनावी एजेंडा तैयार किया जा रहा है, उसमें समस्त उत्तर प्रदेश के ग्राम प्रधानों से, ग्राम के क्षेत्र पंचायत सदस्यों से, जिला पंचायत सदस्यों से, मतलब हर एक जनता के आम नागरिक तक से अपनी अपनी राय मांगी है और राय लोगों ने भेजी है, उसी के तहत एजेंडा तैयार किया गया है। ऐसे हालात में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी किन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं आप देख रहे हैं, किस किस से निपटने की बात करेंगे, सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, 300 से ऊपर सीट लेने की बात कर रहे हैं, कहाँ सीटों का आंकड़ा देखेंगे, किसका वोट पाएंगे? किसान मजदूर त्रस्त है, महंगाई से त्रस्त है, हालात आप देख रहे हैं, देश के देश बर्बादी के कगार पर है, देश को बेचने का काम ये कर रहे हैं, रेलवे बेच लिया, ट्रेन बेच, एयर इंडिया बेच लिया है, पेट्रोलियम बेच लिया, इन्होंने छोड़ा क्या है, कुछ बचा है देश में? वहीं गांव के लोगों द्वारा भी अपनी प्रतिक्रियाएं पेश की गई। अच्छा मतलू भाई, किस तरह के आदमी हैं? बहुत बड़े आदमी हैं। अगर इनको पार्टी टिकट देती है तो क्या सर रिजल्ट मिलेगा? बहुत बढ़िया रहेगा। क्या अपील करना चाहोगे आप क्षेत्र की जनता से इनको लेकर के? बस यही है, बढ़िया काम करते हैं और क्या। जनता से क्या अपील रहेगी? जनता से बहुत बढ़िया इनके संबंध और बहुत बढ़िया मामले है। अरे बदलाव का सारा ही बदलाव है, 2 साल पूरे खराब हो गए, 300 रुपये की मजदूरी कर रहे हैं, 2 साल इन्हें खराब कर दिए, बच्चों का एडमिशन कराया जा रहा है, पहले पिछली फीस मांग रहे हैं, पहले पिछली फीस दो, 2 साल से काम नहीं कर रहे कुछ। रोजगार की क्या पोजीशन है? रोजगार तो ठप है बिल्कुल। सड़कें तो सब ठीक है, पर डीजल पेट्रोल कहाँ पहुँच गया है? हम तो ड्राइवर का काम करते हैं, डीजल पेट्रोल 90 रुपये लीटर से। क्या कमी महसूस करते हो आप? कमी क्या, तेल देख लीजिए, बालकुआ देख लीजिए और सड़क देख लीजिए, क्या कहेगा मजदूर आदमी? ये एक मीडियम मजदूर 200 रुपये कमाता है, वो क्या तेल खरीदेगा, क्या राशन लेगा? क्या किस तरह का माहौल होना चाहिए? मतलब भाई जैसा हर 5 साल में सरकार बदलती है, जी नए नए नेता आते हैं, जी वादा करते हैं, क्या कमी महसूस करते हो क्षेत्र में? देखो बरसाती मेंढक हैं तो बरसात में आ जाते हैं, वादे करते हैं नए से नए, 50 वादों में 10% भी वादे पूरे नहीं कर पाते। सड़कें देखो आप चलकर रोड पर बहुत टूटी है। आपके क्षेत्र में क्या स्थिति है सड़कों की?
बहुत गंदी स्थिति है। सरकार का टाइम पूरा होने जा रहा है जी, पिछले 5 साल में आपने देखा होगा जी, सरकार ने वादे किए हैं, किस तरह का आपके क्षेत्र में काम किया सरकार ने? क्षेत्र में तो कोई काम नहीं है, लेकिन महंगाई, बेरोजगारी, अच्छा क्या कमी महसूस करते हो अपने क्षेत्र में? महसूस महंगाई है और सड़कें का विकास नहीं है और तमाम बातें हैं। क्या चाहते हैं आप, क्या होना चाहिए सर? अब विकास होना चाहिए। रोजगार की क्या स्थिति? रोजगार तो खत्म ही है हमारे सब। क्या कमियां महसूस कर रहे हो अपने क्षेत्र में? सभी कमी है, सड़कों की है, किसानों के लिए क्या? किसानों का कुछ नहीं करा है। सड़कों की क्या स्थिति है? सड़कें बहुत खराब, टूटी फूटी सड़कें हैं। किस तरह का नेता चाहते हैं इस बार आप? जी विकास होना चाहिए। किसानों की बात कौन बताए? जी किसान तो बहुत परेशान है सरकार। कैसा नेता हो? नेता जो विकास करने वाला, ऐसा नेता होना चाहिए। अच्छा आपके क्षेत्र में एक नेता भी है, राष्ट्रीय लोगों को है, किस तरह के व्यक्ति हैं मतलब सब बड़े आदमी हैं, ऐसे नेता की जरूरत है यहाँ पे? किस तरह की छवि है क्षेत्र में? बढ़िया छवि है। अगर उनको पार्टी अगर टिकट देती है तो कैसा रिजल्ट बढ़िया रहेगा?